आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे Vivo V9 का फुल रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं तो आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हूँ Vivo V9 के रिलेटेड, ऑलरेडी Oppo F7 का भी है और ढेर सारे मोबाइल का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या ये Vivo V9 वर्थ 23,000 रुपीज़ है? तो वही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। फुल वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत सारा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पता चलेगा कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है Vivo V9 में। तो पहले हम बात करेंगे Vivo V9 की बिल्ड क्वालिटी। तो फ्रंट में तो ऑब्वियसली ग्लास है ही और इसका बॉडी जो है वो एल्यूमिनियम बॉडी है एंड एट द बैक मिरर फिनिश जो कि रिफ्लेक्टिव एंड ग्लॉसी है और यही इस मोबाइल को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। बहुत ही स्लिम भी है और इसका वेट है 150 ग्राम्स, विच इज़ लाइट वेट फॉर सच ए लार्ज डिस्प्ले फोन मैं कहूँगा। तो ओवरऑल सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन जब आप इस ब्यूटी को दिखाना ही सकते हैं बिकॉज आपको क्लियर कवर या जो भी कवर कहे वो बिल्कुल लगाना पड़ता है, अदरवाइज स्लिपरी एंड स्क्रैचेस नोटिस करने लगेंगे क्योंकि इतना मिरर, इतना ग्लॉसी फिनिश है प्लास्टिक का बैक में, तो आपको कवर लगाना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से आई एम नॉट रियली फैन ऑफ दिस एल्यूमिनियम या मेटल बिल्ड्स क्योंकि ईजिली स्क्रैचेस हो जाते हैं और रिप्लेस भी नहीं कर सकते आप, तो जल्दी से फटाफट नया कवर डालना ही पड़ता है। प्रीमियम तो कहते हैं, प्रीमियम तो होता भी है, बट रिलायबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये टिक नहीं पाता ज़्यादा दिन, तो वही एक दिक्कत है। एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली लॉन्च्ड सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo को आप ले लीजिए, उसमें आपको रिमूवेबल बैक पैनल है एंड रिमूवेबल बैटरी मिलता है, विच इज रियली गुड अगर आप बहुत दिनों तक मोबाइल को रखना चाहते हैं। सो ठीक है, अगर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम विथ ग्लॉसी बैक एंड दैट टू इन ब्लैक कलर अच्छे लगता है तो ये बिल्कुल ही ब्यूटीफुल लुकिंग फोन है, नो डाउट अबाउट दैट। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बैटरी। Vivo V9 का बैटरी 3260 mAh की है एंड मेरे यूसेज के हिसाब से लाइक वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज, प्लेइंग गेम्स फॉर लाइक 30 मिनट्स, ब्राउजिंग इंटरनेट एंड देन कैमरा को बार बार ऑन करना टेस्ट के लिए, तो ईजिली 1 day तक टिक पाया विथ अराउंड 54% बैटरी लेफ्ट। और स्टैंड बाय टाइम तो बहुत ही बढ़िया है विथ 4 days, मतलब कि अगर आप सिर्फ कॉल्स को अटेंड करते हैं एंड ऐसे ही यूज़ करते हैं, कुछ इंटरनेट ब्राउजिंग करेंगे, तो ईजिली आपको 2 days तक आप आराम से बिना चार्ज किए इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बैटरी लाइफ बिल्कुल अच्छा है। अगर आपको और भी ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए इस मोबाइल से तो लो पावर सेविंग मोड एंड सुपर पावर सेविंग मोड तो है ही। ऑल इन ऑल ए सॉलिड बैटरी लाइफ मैं कह सकता हूँ Vivo V9 का। तो नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट मिसिंग है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको समझना है। इसमें कुछ डिसअपॉइंटिंग है तो वो CPU है। देखिए, चिपसेट जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर अगर बढ़िया है तो वो बहुत आसान से बिना कोई स्ट्रक हुए मोबाइल काम करता है। तो Vivo V9 में वही पुराना कॉर्टेक्स का ये 53 प्रोसेसर है, वो भी सारे के सारे 8 कोर्स, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उम्मीद नहीं रख सकते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर 23,000 रुपीज़ फ़ोन। अगर एटलीस्ट 2 कोर्स कॉर्टेक्स A73 का होता तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ज़रूर होता, बट क्या करें, वही पुराना जो सब बजट मोबाइल में अवेलेबल है वही यहाँ पर भी है। एग्जाम्पल, अगर सैमसंग का नया J7 Duo मोबाइल अगेन फिर से कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट, तो लेंगे तो उसमें आपको 2 कोर्स तो कॉर्टेक्स A73 का लगाया गया है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। GPU भी इसमें डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि एड्रिनो का 506 का है एंड नॉट एड्रिनो 509, तो सुपर ग्राफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगा। अगर आप Oppo F7 से क्विकली कंपेयर करेंगे तो ये रहा स्क्रीन पर, पॉज करके देख सकते हैं आप कि कैसे कंपेयर करता है Vivo V9। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्प्ले एंड यूजर इंटरफेस। तो Vivo V9 में आपको 1080x2280 रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है एट 400 pixels per inch, तो ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। Oppo F7 में 403 ppi डेंसिटी मिलता है, हाँ सिर्फ 3 ppi ज़्यादा है बट स्टिल 400 pixels per inch इज़ नॉट मच। और ये डिस्प्ले इतना भी ब्राइट नहीं, डे टाइम सनलाइट विजिबिलिटी इज़ ओकेश एंड नॉट ग्रेट। IPS LCD डिस्प्ले होकर एक्यूरेट कलर्स तो दिखाता है बट अगेन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा लोअर साइड है, मीनिंग कि ब्लैक्स आर नॉट सो ब्लैक, इतना भी कंपेयर भी नहीं कर सकते आप AMOLED डिस्प्ले से, बट स्टिल थोड़ा अगर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता तो ब्लैक ऑटोमेटिकली डीप बन जाते, आपको थोड़ा डल फील ज़रूर होगा डिस्प्ले में। जनरली बोले तो फॉर दिस प्राइस आई थिंक इट इज़ ए ब्यूटीफुल डिस्प्ले बट नॉट ऑसम।
Vivo V9 में फ्रंट टच OS है ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड ओरियो 8.1। अब अच्छी बात यह है कि सेटिंग्स, मेनू, ये सब नीटली लेड आउट है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। कुछ वीवो के ऐप्स भी मिलेंगे आपको, जैसे कि वीवो क्लाउड, वीवो ब्राउज़र, वीवो न्यूज़ पॉइंट एट्सेट्रा। हेल्पफुल तो है, बट अगर आप यूज़ करेंगे तो, अदरवाइज़ ये आपको ब्लोटवेयर जैसा लगेगा। अदर देन दैट, कंट्रोल सेंटर जो है वो, अगर आप मीडिया कंटेंट देख रहे हैं लैंडस्केप मोड में, तो राइट साइड से स्वाइप करना पड़ता है आपको कंट्रोल सेंटर लाने के लिए। ये थोड़ा वियर्ड लगा मुझे, सिली ज़रूर है, बट अगर आप यूज़ करते करते थोड़ा फ्रस्ट्रेट ज़रूर होंगे। लॉक स्क्रीन पर ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं आप, विच इज़ अगेन ए डिसअपॉइंटिंग थिंग। कुछ तो कस्टमाइजेबल रखना था लॉक स्क्रीन पर, सिर्फ वॉलपेपर बदल सकते हैं बस और कुछ नहीं। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल अनलॉक सुपर इम्प्लीमेंट किया गया है और 9 out of 10 टाइम्स ये डेफिनेटली वर्क होता है, विच इज़ रियली ऑसम। ऑडियो क्वालिटी एक्सलेंट है, स्पीकर आउटपुट इज ऑल्सो गुड बट नॉट ग्रेट। लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी का हेडफोन्स लेंगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ, तो बहुत बढ़िया ऑडियो क्वालिटी है Vivo V9 का। आप इक्वलाइजर और कुछ इफेक्ट्स के थ्रू भी कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से वर्क भी होता है, विच इज़ ऑसम। बॉक्स में दिए गए हेडफोन्स भी डिसेंट है बट नॉट दैट ग्रेट, लेकिन काम चल जाना चाहिए। और उसके साथ आपको कॉल्स अटेंड एंड रिसीव करने के लिए हो या फिर आंसर करने के लिए, दोनों भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बिल्ट इन माइक्रोफोन। तो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड गेमिंग। परफॉर्मेंस वाइज, जैसे कि मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया हूँ कि कॉर्टेक्स A53 का CPU है एंड एड्रिनो 506 का GPU, तो यस, कभी कभी लैग स्टटर होता है होम स्क्रीन पर हो या फिर कोई ऐप्स यूज़ करते वक्त, स्पेशली कैमरा यूज़ करते वक्त मुझे 2-3 बार ऐप स्ट्रक हुआ, तो बिल्कुल मैं रिस्टार्ट करना पड़ा 2-3 बार एंड आफ्टर दैट वो इशू सॉल्व हुआ। एंड गेमिंग की अगर बात करें तो यू कैन प्ले गेम्स ऑफ कोर्स एट स्मूथ फ्रेम रेट्स बिना कोई लैग, बट एट लो टू मिड सेटिंग्स। अगर हाई क्वालिटी का गेम्स खेल रहे हैं तो मिड सेटिंग्स में आपको काम चल जाना चाहिए। गेम मोड भी है, विच विल म्यूट दी नोटिफिकेशन एंड ब्लॉक दी कॉल्स एंड सेंड ऑटो मैसेज इफ़ यू वांट। मैं आपको इसका सेपरेट से वीडियो बना के क्लियरली आपको दिखाऊंगा कि कौन से गेम्स कितने FPS पर चलता है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैमरा। ऑलरेडी मैंने Vivo V9 कैमरा सेटिंग्स का वीडियो बना चुका हूँ, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो Vivo V9 में ड्यूअल कैमरा सेटअप है एंड इन्होंने ऐसे इंप्लीमेंट किया है कि Vivo V9 से आप बहुत ही अच्छे बोके इफेक्ट्स, पोर्ट्रेट मोड या फिर बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आप लैंडस्केप पिक्स ज़्यादा लेते हो और डिटेल्स ज़्यादा चाहिए पिक्स में, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर रहेगा। Vivo V9 का पिक्स जनरली सॉफ्ट है एंड थोड़ा म्यूटेड बट विथ एक्यूरेट कलर्स देता है। और सेल्फी कैमरा तो एक्सलेंट ही है, लेकिन पोर्ट्रेट ब्लर से अगर पिक्स लेंगे तो जनरली पिक्स आर ऑसम बट स्टिल अराउंड द फेस एडजस थोड़ा ज़्यादा ही ब्लर करेगा वो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बट स्टिल Vivo V9 ऑफर्स एक्सलेंट वैल्यू फॉर मनी कैमरा। स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड का ऑप्शन है एंड विच इज़ वेरी नाइस। आप अल्ट्रा HD से 63 megapixel का पिक्स ले सकते हैं, विच इज़ नाइस। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बट देर इज़ नो स्टेबलाइजेशन, मतलब कि आपके हाथ बिल्कुल स्टेबल रहना है वरना शेकी फुटेज ज़रूर मिलेगा। तो ये सब कहने के बाद एक्स्ट्रा थिंग्स जो है Vivo V9 में, स्मार्ट मोशन जेस्चर्स से एक्टिवेट करना, वॉल्यूम बटन से कुछ ऐप्स क्विकली ओपन कर सकते हैं आप डेडिकेटेड वॉल्यूम डाउन बटन से, ऐसे सब यूजफुल फीचर्स मिलता है विच इज़ अगेन वेरी नाइसली इम्प्लीमेंटेड। मोटर बाइक मोड भी है, अगर आप कॉल्स या फिर नोटिफिकेशंस को रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऑटोमेटेड मैसेज भेज सकते हैं। फाइल सेफ भी है, जिससे आप अपने पिक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बिल्कुल सेफली स्टोर कर सकते हैं पासवर्ड और पैटर्न देकर सेपरेट से, एंड फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी लॉन्चर को डिफॉल्ट रख सकते हैं विच इज़ ऑसम, लेकिन ऐप्स को हाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा थिंग्स आपको इसमें Vivo V9 में मिलता है। तो इसका इंडिविजुअल मैं वीडियोस बना दूंगा आपके लिए, तो अगर आप बने रहेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे इसका वीडियो इन डिटेल। तो फाइनल थाट्स ऑन Vivo V9। फॉर दिस प्राइस आपको Vivo V9 में गुड डिस्प्ले, गुड बैटरी, एक्सलेंट ऑडियो एंड कुछ यूजफुल फीचर्स देता है विथ लिटिल कॉम्प्रोमाइज ऑन CPU एंड GPU। TITBITS रेटिंग फॉर Vivo V9 इज़ ए सॉलिड 6.5 out of 10 दूंगा मैं। तो आप क्या सोचते हैं इस मोबाइल को, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करें इस वीडियो को, और मेरे वर्क को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बने रही है। ओप्पो F7 रिव्यू कंपैरिजन विद द Vivo V9 जल्द ही आ रहा है इस चैनल पर, बने रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।